सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू एक्सप्लेनेशन में। तो मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं हमारे प्यारे चैनल अनएंडिंग एजुकेशन को। सो आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग हमारे फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, अगर अभी तक देखा नहीं है तो कोई बात नहीं, लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आराम से जाके चुकुमुकु बैठकर देख लेना। अभी पार्ट 2 का मजा लो। गाइस, बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को देख रहे हो तो 5-10 सेकंड बस देख के छोड़ मत दो। वीडियो को आधा से ज्यादा तो जरूर देखना, तभी आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आएगा। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने साहिब की स्टोरी को पढ़ा था, जो कि एक रैक पिकर था। और पार्ट 2 में, जो कि है आई वांट टू ड्राइव अ कार, इसमें हम लोग मुकेश की स्टोरी को पढ़ेंगे, जो कि एक बैंगल मेकर था। तो चलिए आज के हमारे स्टोरी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो हमारे इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो मुकेश है। तो मुकेश ये अनाउंस करता है कि उसका एक ड्रीम है कि वो बड़ा होकर एक मोटर मैकेनिक्स बनेगा। तो ऑर्थर मुकेश से पूछती है कि क्या तुम मोटर मैकेनिक्स के बारे में कुछ जानते हो। तो मुकेश रिप्लाई करता है कि अभी तो मैं कुछ नहीं जानता, बट जल्दी ही मैं सीख लूंगा। तो ऑर्थर को मुकेश का ड्रीम एक मिराज जैसा दिखता है। तो अब ऑर्थर हमें फिरोजाबाद के बारे में बताती है, जहां मुकेश रहता था। तो फिरोजाबाद बैंगल मेकिंग के लिए फेमस है और यहां के मोस्ट ऑफ द फैमिलीज बैंगल मेकिंग में एंगेज रहते हैं। तो फिरोजाबाद ग्लास मेकिंग के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है और यहां की जो फैमिलीज है उनकी कई पास जनरेशन ने यहाँ ग्लास मेकिंग और बैंगल मेकिंग का काम करते हुए गुजार दिया, और मुकेश की फैमिली भी उनमें से एक थी। तो वहाँ पे किसी को ये शायद पता नहीं था कि मुकेश जैसे बच्चों से काम कराना एक जुर्म था, और उन बच्चों को बहुत ही हार्श कंडीशन में वहाँ काम करना पड़ता था, क्योंकि वहाँ जहाँ बैंगल बनती थी वहाँ बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहता है, और वो कंडीशन आई को भी प्रेफर नहीं करता, और बहुत सारे केसेस में तो आई की एकदम लाइट चली जाती है, यानी कि कोई कोई इंसान उसके चलते ब्लाइंड हो जाता है। तो अब ऑर्थर हमें बताती है कि अगर वहाँ की गवर्नमेंट ने ये लॉ को फॉलो किया, चाइल्ड लेबर वाली लॉ को फॉलो करती है, तो ऑलमोस्ट 20,000 बच्चे उन हार्श कंडीशन से बच सकते हैं। तो अब मुकेश ऑर्थर को अपने घर की तरफ लेकर जाता है, और वो बहुत प्राउडली बोलता है कि मेरा घर फिर से बन रहा है, यानी कि उसका घर फिर से रेनोवेट हो रहा है। तो जब ऑर्थर उसके घर की तरफ जा रही थी, तब ऑर्थर को बहुत सारे स्मेली रास्ते से होकर जाना पड़ रहा था। वो पूरा एरिया स्लम्स का था, और वहाँ के लगभग सारे घर के वॉल्स टूटी फूटी थी। वो एरिया बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड थी लोगों और जानवरों से। इसके बाद कुछ दूर जाने के बाद मुकेश एक घर के पास रुकता है और अपने पैर से आयरन डोर को लात मारकर खोल देता है। तो फिर ऑर्थर समझ जाती है कि ये मुकेश का घर है। उसके बाद जैसे ही ऑर्थर अंदर जाती है तो वो देखती है कि फायर स्टोव में एक फ्रेल यंग वुमेन खाना बना रही थी। फ्रेल का मतलब कमजोर होता है, यानी कि एक कमजोर यंग वुमेन खाना बना रही होती है, और स्मोक के चलते उसके आंखों से आंसू भी गिर रहे होते हैं, बट फिर भी वो यंग फ्रेल वुमेन स्माइल कर रही थी। और उस वुमेन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि वो मुकेश के बड़ी भाई की वाइफ थी, और उस वुमेन के ऊपर 3 लोगों की जिम्मेदारी थी। एक मुकेश था, एक मुकेश का भाई था यानी कि उसका पति था, और एक मुकेश के फादर थे। इसके बाद ऑर्थर हमें बताती है कि जैसे ही मुकेश के फादर घर में एंटर करते हैं, वैसे ही मुकेश के बड़े भाई की वाइफ जो होती है वो एक ब्रोकन वॉल के पीछे चली जाती है और अपने आंचल से अपने फेस को ढक लेती है, क्योंकि ये कस्टम था, रिवाज था कि घर के बहू को
हमेशा बड़े मेल के सामने अपने फेस को ढक के रखना चाहिए। आप लोगों ने इस चीज के बारे में जरूर सुना होगा या फिर जानते होंगे। तो ये कस्टम मेनली रूरल एरिया में प्रिवेल करती है। तो मुकेश के फादर एक बैंगल मेकर थे और इतने दिनों तक बैंगल मेकिंग का काम करने के बाद भी उन्होंने ना ही अपने घर को अच्छे से रिनोवेट कर पाए थे और ना ही अपने दो बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाए थे और ना ही कभी उन्हें स्कूल भेज पाए थे। बस उन्होंने एक काम किया था कि अपने बच्चों को बैंगल मेकिंग का काम अच्छे से सिखा दिया था। फिर मुकेश की ग्रैंड मदर बोलती है कि ये बैंगल मेकिंग का काम हमारी डेस्टिनी है, कर्म है। और वो बोलती है कि उन्होंने अपने हस्बैंड को ब्लाइंड होते हुए देखा है जब वो बैंगल मेकिंग का काम कर रहे होते हैं। और वो आगे बोलती है कि कैन अ गॉड गिवन लीनियर एवर बी ब्रोकन, मतलब कि क्या ये बैंगल मेकिंग का काम का परंपरा अब कभी टूटेगी। इसके बाद ऑर्थर हमें सविता नाम की लड़की के बारे में बताती है जो कि एक फेडेड पिंक ड्रेस पहनी होती है। वो लड़की इतने तेजी से काम कर रही थी जैसे कि वो कोई मशीन हो। और फिर जब ऑर्थर उस लड़की को बैंगल बनाते हुए देखती है तो वो सोचती है कि क्या ये यंग गर्ल इन बैंगल के सेंसिटी यानी इम्पोर्टेंस को जानती है कि ये बैंगल इंडियन वुमेन के सुहाग को रिप्रेजेंट करती है और एक दिन उसे भी शादी करना है और इन बैंगल्स को पहनना है। अब ऑर्थर उन्हें पूछती है कि व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इन अ कॉर्पोरेटिव, मतलब कि आप लोग अपने आप को एक कॉर्पोरेटिव क्यों नहीं बना लेते हो, तुम खुद से ही अपने बैंगल्स को क्यों नहीं सेल करते हो और मिडिलमैन को क्यों यूज करते हो जिसके कारण आप लोगों को कम प्रॉफिट होता है। फिर वो रिप्लाई करते हैं कि अगर हम कॉर्पोरेटिव बना लेते हैं तो पुलिस हमें बहुत मारेगी जैसे हमने कोई क्राइम किया हो। हम लोगों का कोई लीडर नहीं है जो हमें गाइड कर सके कि आखिर हमें क्या करना चाहिए और ना ही कोई लीडर बनना चाहता है। फिर ऑर्थर बोलती है कि ये लोग पॉवर्टी और ग्रीड के एक ऐसे साइकिल में फंस गए हैं, इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। अब उन लोगों की बातें की सुनकर ऑर्थर को दो वर्ल्ड दिखती है, एक वो फैमिली जो पॉवर्टी में फंसी है और दूसरी वो फैमिली जो कि पॉलिटिशियन मिडिलमैन पुलिसमैन एक्सेट्रा की साइकिल में फंसे हुए हैं और उनमें से कोई भी अपने ड्रीम के लिए डेयरिंग नहीं दिखाता है। बट ऑर्थर को वो डेयरिंग मुकेश के आंखों में वो एक डेयरिंग दिख रहा था अपनी ड्रीम्स के लिए फाइट करने के लिए और उसे मोटर मैकेनिक्स बनना था और ये देखकर ऑर्थर बहुत ही ज्यादा खुश थी। अब ऑर्थर मुकेश से पूछती है कि गैराज तो तुम्हारे घर से बहुत ही ज्यादा दूर है, तो तुम कैसे जाओगे वहां तक। तो मुकेश रिप्लाई करता है मैं पैदल ही चला जाऊंगा। तो मुकेश अब ऑर्थर मुकेश से पूछती है कि क्या तुम्हारा ड्रीम है कि तुम प्लेन को भी उड़ा सको। ये बात सुनकर मुकेश शांत हो जाता है और अपनी नजरें झुका लेता है और वो नजर इसलिए झुकाता है क्योंकि बस उसका एक ही ड्रीम था मोटर मैकेनिक्स बनना, क्योंकि वो फिरोजाबाद में बस कार्स को ही चलना देखता था ना ही एरोप्लेन का। इसलिए बस उसका ड्रीम था कि वो एक मोटर मैकेनिक्स बने ना कि एरोप्लेन उड़ाए। सो गाइस, आज का हमारा ये एक्सप्लेनेशन कम्प्लीट होता है। आपको आज का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।